हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल है आपका? आई थिंक बहुत ही बढ़िया होंगे, हमेशा की तरह होना भी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका स्टडीशिप विद ललित के अंदर। ठीक है, ट्वेल्थ क्लास इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम। तो देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे यहां से इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर तुम्हें भी मालूम है दो बुकें होती हैं, जिसमें से मैं एक बुक स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या नाम है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। तो देखो, मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि तुम्हें पहले से ही इस शब्द का मतलब मालूम होगा कि समष्टि का क्या मतलब होता है। ठीक है, समष्टि का क्या मतलब होता है? तो समष्टि के अंदर हम एक परिवार की बात नहीं करते हैं, पूरे के पूरे देश की बात करते हैं। हम किसी एक व्यक्ति की आय की बात नहीं कर रहे, एक व्यक्ति की आय की बात नहीं कर रहे, पूरे देश की आय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, पूरे देश की आय। ध्यान से सुनो, जब हम सिर्फ आय बोलते हैं तो एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय मतलब कि एक बंदा कितना कमाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 रुपए कमाता हूं, तुम 20 रुपए कमाते हो। ठीक है, ये है मेरे कहने का मतलब। एक व्यक्ति की आय की बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पूरे देश की आय की, जिसको किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्र आय के नाम से। ठीक है, हम बिल्कुल भी ये बात नहीं कर रहे कि एक बंदा कितना डिमांड करता है, मतलब कि मांग, एक बंदे के द्वारा की गई मांग की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरे देश के द्वारा की गई मांग की बात हो रही है। मतलब कि किसकी बात हो रही है? समग्र मांग, समग्र मांग। एक उत्पादक के द्वारा की गई पूर्ति की बात नहीं हो रही है, पूरे देश के उत्पादकों द्वारा की गई पूर्ति की बात हो रही है। एक उत्पादक के द्वारा पूर्ति की बात नहीं हो रही, पूरे देश के द्वारा की गई पूर्ति की बात हो रही है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी बातें तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़कर आए हो, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़कर आए हो, वो सारी बातें हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर भी पढ़ेंगे। फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहले हम काम कर रहे थे एक व्यक्ति के लिए, अब हम काम करेंगे पूरे के पूरे देश के लिए, पूरे के पूरे देश के लिए। यह है समष्टि अर्थशास्त्र का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, चलो एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, यहां पर हम बात करते हैं किसी एक वस्तु की कीमत की, सिर्फ एक वस्तु की कीमत की। ठीक है, मतलब सिर्फ कीमत। और यहां पर हम क्या बात करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं पूरे देश की कीमत की। ठीक है, मतलब की कीमत स्तर की, मतलब कि प्राइस लेवल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कीमत स्तर। ये होता है प्राइस और ये होता है प्राइस लेवल। तो देखो, जब सिर्फ प्राइस की बात करेंगे तो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब प्राइस लेवल की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब तुम सिर्फ डिमांड बोल रहे हो तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जब एग्रीगेट डिमांड बोल रहे हो तो समष्टि अर्थशास्त्र। समझ रहे हो ना इसका मतलब? तो समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में और भी बहुत सारी बातें होती रहेंगी जो इस चैप्टर में निकल कर आएंगी, लेकिन उससे पहले हम वो मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमें करना चाहिए। तो तुम भी जानते हो समष्टि अर्थशास्त्र का जो सबसे पहला यूनिट है वो क्या है, सबसे पहला यूनिट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है नेशनल इनकम। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा नेशनल इनकम, तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आय। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है राष्ट्रीय आय। ठीक है, और इसके एग्रीगेट्स भी होते हैं, मतलब कि इसके समुच्चय भी होते हैं। क्या वो होते हैं? समुच्चय। ठीक है, अब ये समुच्चय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, हमें तो बचपन से सिर्फ एक ही शब्द का मतलब मालूम है, आय, मतलब कि हमारी इनकम कितनी होती है। कोई बंदा 10,000 रुपए कमाता है, कोई बंदा 50,000 कमाता है, और कोई बंदा 1,00,000 रुपए कमाता है, और कोई कोई बंदा तो करोड़ों रुपए भी कमाता है। ठीक है, कहने की मतलब है, तो सभी लोगों की मिलाकर जो आय बनती है वो क्या बनती है, राष्ट्र आय बनती है। खैर, अब देखो, वैसे इस चैप्टर की खासियत है, इसके अंदर तुम्हें अच्छी खासी क्या देखने को मिलती है, थ्योरी, मतलब कि लिखने वाले क्वेश्चंस, लिखने वाले क्वेश्चंस। ठीक है,
और इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर अच्छे खासे तुम्हें क्या देखने को मिलते हैं, न्यूमेरिकल्स। अच्छे खासे क्या देखने को मिलते हैं, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स तो और भी बहुत सारे होते थे, वो तो सिलेबस कम होने की वजह से वाले न्यूमेरिकल तो अब हटा ही दिए गए, वरना न्यूमेरिकल और भी बहुत होते थे। लेकिन अभी भी यहाँ पर तीन तीन मेथड हैं राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के। खैर इतनी सारी बातें मैं फर्स्ट क्लास के अंदर बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें थ्योरी भी पढ़नी है और न्यूमेरिकल भी करने। न्यूमेरिकल मतलब हल करने वाले क्वेश्चन जैसे मैथ्स में होते हैं, और थ्योरी मतलब लिखने वाले क्वेश्चन लेकिन समझने के बेस पर, ठीक है। तो सीधा राष्ट्रीय आय पे आने से पहले आज मैं तुमको बेसिक टर्म्स कराऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि तुम जानते हो, जो तुम्हारा सिलेबस है राष्ट्रीय आय के अंदर बहुत सारी थियोरेटिकल बैकग्राउंड होता है, बहुत सारा थियोरेटिकल बैकग्राउंड होता है। इतना सारा थियोरेटिकल बैकग्राउंड मैं एकदम से नहीं कराऊंगा, हम तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। आज की क्लास में जो टॉपिक मैं तुम लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, आज की क्लास में जो टॉपिक मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है उपभोक्ता वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? उपभोक्ता वस्तुएं। ऐसा नहीं है कि मैं किताब के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, लेकिन ऐसा जरूर है जो टॉपिक थोड़ा आसान लगेगा हम उसको जल्दी से करेंगे, और जो टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लगे उसको बाद में करते हुए चलेंगे। ये टॉपिक बहुत इजी और बहुत आसानी से बच्चों को समझ में आ जाता है। वैसे तो मेनली ये जो क्लास है ये हिंदी मीडियम क्लास है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी कहीं कहीं पर कुछ शब्द इंग्लिश में भी बोलूंगा, क्योंकि बच्चों को इंग्लिश से कोरिलेट करने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए तो उपभोक्ता वस्तु है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंज्यूमर गुड्स। क्या बोला जाता है? कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर गुड्स की। अच्छा, तुम्हें ये बात तो पहले से ही मालूम है उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता वो होता है, बोर्ड पे देखो, उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता उसे कहते हैं जो किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी सेवा को, है ना, किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी सेवा को क्या करता है? खरीदता है। क्या करता है? खरीद। देखो मुझसे ना लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है अक्सर, खरीदता है, है ना, ये नहीं पता मात्रा इधर आती है उधर आती है, लेकिन मैं समझाऊंगा बढ़िया, ठीक है। किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी सेवा को खरीदता है, और खरीदने के बाद उसका क्या करता है पता, फेंक देता है? नहीं, खरीदने के बाद उसका क्या करता है? उपयोग करता है भाई, उपयोग करता है। और उपयोग करने के बाद उसको क्या मिलती है? उपयोग करने के बाद उसको क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है, मजा आता है भाई, संतुष्टि मिलती है, और वो तभी उसका इस्तेमाल करता है। एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो ये मेरे पास पेन है, पेन, ठीक है। तुम्हें स्कूल का काम करना था और तुमने दुकान से एक पेन खरीदा 10 रुपए वाला, और तुमने उस पेन को घर पे लिया है और तुमने उसको चलाकर देखा, और जैसे तुमने पेन को चलाकर देखा तुम्हारा वो पेन बिल्कुल भी सही नहीं चला। मुझे बताओ, तुमने वस्तु को खरीदा मतलब कि पेन खरीदा, ठीक है, तुमने उसका उपयोग करा मतलब कॉपी पर चलाकर देखा, और तुमने चलाकर देखा वो अच्छा नहीं चला, रुक रुक के चला या चला ही नहीं, मतलब कि तुमको क्या नहीं मिली? संतुष्टि नहीं मिली। मुझे बताओ, क्या इस पेन को अब तुम दोबारा इस्तेमाल करोगे? नहीं करोगे। क्या तुम ये पेन उसी दुकान से दोबारा खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। क्या ये पेन उसके मुंह पे ऐसे मार के आओगे? हाँ, ये जरूर हाँ बोलोगे, ठीक है। खैर हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले कि पेन उसके मुंह पे मारेंगे, हो सकता है उसके मुंह में घुस जाए, खैर वो सब छोड़ो। तो हमें कुल मिलाकर क्या मिलनी चाहिए? संतुष्टि मिलनी चाहिए। जब हम किसी भी चीज को खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं, तो बदले में हम किस चीज की उम्मीद करते हैं? संतुष्टि की। ये होती हैं उपभोक्ता वस्तुएं। ये पेन क्या था तुम्हारा? ये पेन था उपभोक्ता वस्तुएं। अब देखो मैं एग्जाम्पल की बाढ़ तुम्हारे ऊपर घेर दूंगा। मुझे बताओ, अगर तुम एक बड़ी क्लास में कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो क्या ये कैलकुलेटर उपभोक्ता वस्तु है? बिल्कुल। तुमने बाजार से खरीदा? खरीदा। तुमने घर पे उसका उपयोग करा? करा। और तुम्हें क्या मिली? संतुष्टि मिली। बहुत ही अच्छी बात है। एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो मेरे पास ये पानी की बोतल है, मैं बात बात पर पानी पीता हूँ, हर कोई पीता है, मैं कोई जुर्म थोड़ी ना करता हूँ। तो पानी पीने के लिए हम बोतल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये बोतल उपभोक्ता वस्तु है? बिल्कुल उपभोक्ता वस्तु है। आजकल गर्मी का टाइम चल रहा है तो लोग एसी चलाकर काम करते हैं, तो बताओ ये एसी क्या उपभोक्ता वस्तु है? बिल्कुल उपभोक्ता वस्तु है। मैं बोर्ड को रब करने के लिए डस्टर का इस्तेमाल करता हूँ, गाने सुनने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है
ठीक है, गाने सुनने के लिए फोन का इस्तेमाल करता हूँ, रोशनी के लिए लाइटों का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए कैमरे का इस्तेमाल करता हूँ, बिजली, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, अगर ये वाली बात उनमें क्या बैठ जाती है, फिट बैठ जाती है। ठीक है, तो अब जो मैंने तुम लोगों को नोट्स दिया है, उस नोट्स के अंदर देखो, सबसे पहला हेडिंग तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहला हेडिंग दिखाई दे रहा है उपभोक्ता वस्तुएं। सबसे पहला हेडिंग क्या दिखाई दे रहा है, उपभोक्ता वस्तुएं, और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए नंबर ए लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को रीड आउट करेंगे और बहुत ही आसानी से ये डेफिनेशन हमें समझ में आ जाएगी। देखो, वह वस्तु जिसका उपयोग एक उपभोक्ता द्वारा अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है, अपनी इच्छा को, दूसरों की इच्छा को नहीं, अपनी इच्छा को। मुझे बताओ, तुमने बाजार से आइसक्रीम खरीदी और खा ली, तुम्हें संतुष्टि मिली या तुम्हारे दोस्त को मिली, तुम्हें मिली भाई। गर्मी की राहत किसको मिली, तुमको मिली। आइसक्रीम किसने खाई, तुमने खाई। पैसे खर्च किसने करे, तुमने करे। और मजा उसको आ जाएगा, नहीं, मजा भी तुम्हें ही आएगा। तो संतुष्टि अपनी होनी चाहिए, दूसरों की नहीं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कार। अब मुझे बताओ, कार, जैसे कि तुम लोग अमीर लोग हो गए, हम तो इतने अमीर है नहीं, तो तुम लोग कार का इस्तेमाल करते हो, बताओ कार चलाते हो या कार में एक जगह बैठकर दूसरी जगह चले जाते हो, तो तुम्हें क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। मान लो तुमने कार खरीदी और वो कार चली नहीं, जाम हो गई, तुम्हें बड़ा गुस्सा आएगा, है ना, तुम कार उठा के फेंकते हो, शोरूम पर मारोगे, हालांकि तुम कर नहीं पाओगे, भारी होती है। अगला देखो क्या है एग्जाम्पल, टीवी, घर में टीवी होता है आजकल, समय बर्बाद करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है टीवी, तो टीवी पर तुम इस्तेमाल करते हो, पिक्चर देखते हो, न्यूज सुनते हो, तो ये भी क्या है, उपभोक्ता वस्तु है। रेडियो, आजकल वैसे रेडियो का जमाना चला गया है, लेकिन एक टाइम था ये भी एक उपभोक्ता वस्तु थी, अब भी कुछ लोग सुनते हैं भाई। आदि, फल, भाई खाने पीने के शौकीन होंगे तुम लोग, तो फलों को तुम खरीदते हो और खाते हो, कुछ लोग बिना धोए खा जाते हैं, कुछ लोग वहीं पे खा जाते हैं। ठीक है, तेल, तेल भाई सब्जी वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक उपभोक्ता वस्तु है। अब मुझे बताओ, क्या यही वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं या और भी बहुत सारी होती हैं? बहुत सारी होती हैं। क्या उन सभी वस्तुओं को मैं यहाँ पर लिखकर तुम्हें बता सकता हूँ? नहीं, इतने सारे एग्जाम्पल हैं, हम इतने सारे एग्जाम्पल एक डेफिनेशन के अंदर देंगे तो पूरी की पूरे 365 दिन इसी एग्जाम्पल के अंदर चले जाएंगे और पूरा साल खत्म हो जाएगा, और साल खत्म होने के बाद तुम्हें क्या निकल कर मिलेगा, सिर्फ एक डेफिनेशन। ठीक है, तो बहुत ही बुरी बात होगी कि हम सिर्फ एक ही डेफिनेशन कर पाएंगे पूरे साल में। ठीक है, तो एग्जाम्पल दुनिया भर के होते हैं। ठीक है, और अब तुम देख सकते हो इसी के नीचे एक अगला हेडिंग हमारे मिल चुका है। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं। अब हम देखेंगे उपभोक्ता वस्तुओं के प्रकार।